हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है Q&A पर। आज हम देने वाले हैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब, जो कि हमने पूछे थे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब की स्टोरी पर। एंड आपने भर भर के क्वेश्चंस पूरे हैं, भर भर के मतलब क्या ही बोलूं। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता क्या था? मैं वो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ना कसम से मेरी जुबान सूख गई है ना, कि आप लोग शादी कब कर रहे हो? और इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो का जवाब हम लास्ट में देंगे, ठीक है जी? तो फैमिली, आप सभी ने पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है क्वालिफिकेशंस हमारी दोनों की। तो आप बता दो पहले अपनी। मैं तो बीकॉम कर रही हूं, अभी बीकॉम सेकंड ईयर में, तो अब आपकी टर्न। बीकॉम सेकंड ईयर में हो? yes. अभी हुए हुए ना सेकंड ईयर में, मैंने सेकंड ईयर चल रहा है आपका। yes. मेरे को पता है। बीकॉम। और मैं बताऊं तो पता होगा। मैं 2 साल पहले ड्रॉप आउट हो गया था कॉलेज से, थोड़ी सी फैमिली सिचुएशंस की वजह से, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी फैमिली में। एंड बीए कर रहा था मैं, सेकंड ईयर में हुआ ही था, एक दो मंथ ही गया था मैं कॉलेज। एंड उसके बाद मैंने छोड़ दी थी स्टडी, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था उस टाइम पे। बट अभी सब ठीक है, एंड दोबारा से मैं स्टडी नेक्स्ट ईयर से शुरू करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आप एक दूसरे की फैमिली से मिले हो, अगर मिले हो तो उनका फर्स्ट रिएक्शन? सीरियसली बताऊं, ये मतलब हमारे लिए सबसे हार्ड टाइम था, है ना? yes. फैमिली को बताना और उनके उसके बाद उन्होंने जो बोला। एंड और पहला जो क्वेश्चन इसमें, ये एक ही लाइन में दो क्वेश्चंस बनते हैं कि आपकी फैमिली मिली है? जी हाँ मिली है, मिल चुकी है। एंड रिएक्शन यही था, मैंने तो मेरी मम्मी को बोला था कि हाँ निधि है ऐसा वैसा है, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैंने उससे ही शादी करनी है या ऐसा है वैसा है ना, मेरे मैं जिद करने लगे, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने अपनी मम्मा को ये बोला कि आप एक बार लड़की से मिल लो, लड़की के घर वालों से मिल लो, अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको लड़की अच्छी लगेगी, उसके घर वाले अच्छे लगेंगे, हाँ हमारी पुग सकती है उनके साथ, देन आप बात तोड़ लेना आगे, वरना जहां आप कहेंगे मैं वहां कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो ये सीन था, अब निधि आप बता दो। एंड रिएक्शन यही था मेरी फैमिली का। और पहले तो मेरे मम्मा थोड़ा सा कर रहे थे ना कि मतलब ऐसा नहीं था, मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, बट वो था कि है ना, होता है ना एक फैमिली को, उन्होंने गुस्सा भी नहीं करा और वो इतना खुश भी नहीं थे, लेकिन मिलने के बाद वो हाँ सेटिस्फाइड एंड खुश थे वो काफी, अभी भी हैं। मेरी फैमिली का तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी वो नहीं थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मैं हूँ हिमाचल से और ये है पंजाब से, तो ऑब्वियसली हिमाचल के लोग हिमाचल में ही चाहते, ऐसे ही चाहते कि हमारे मतलब नजदीक ही हो लड़की, एक से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक जाए ज्यादा से ज्यादा, इससे दूर ना। पंजाब के लिए बहुत मतलब मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि नहीं मान रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ जब हम मिले तब भी यही बात चल रही थी, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और मतलब इतनी दूर हमें नहीं जाना, क्योंकि उनके अलग कल्चर थोड़ा सा अलग, हमारा अलग, उनके अलग रिवाज, हमारे अलग रिवाज है ना, लैंग्वेज भी अलग, सब कुछ मतलब थोड़ा सा अलग अलग, उस वजह से थोड़ा वो भी थे मेरी फैमिली में कुछ की नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं मिलना, मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, ये तो लेटर गई थी नहीं मम्मी पैर पड़ने लगे, नहीं लेटी तो नहीं, पर ये है कि हां फिर मार गई थी कि मिलने के लिए मार, मैंने भी यही लाइन मारी थी जो जाते ने मारी थी कि एक बार मिल लो, उसके बाद अगर आपको पसंद है तो मैं करूंगी, नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूंगी, बट ये सिर्फ लाइन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानने कौन है, जानने कौन है, कौन है जो तो पंजाब से है, जो मेरे को टिकटॉक से फॉलो करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यही पूछते कि जानने कौन है, टेक्स्ट करके भी यही पूछते जानने कौन है, आज के क्वेश्चन में भी यही पूछते जानने कौन है, मेरे से भी यही पूछते जानने कौन है। पहले तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि कई लोग निधि को जानने समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं क्लियर कर दूं ऐसा कुछ नहीं है। और जानने कौन है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं और उस पे काम चल रहा है, और उसमें यार लेट इसलिए हो रहा है बिकॉज ना उस वीडियो के लिए जो मैं चीज चाह रहा हूं वो नहीं निकल रही है, इस वजह से मैं वो वीडियो निकाल ही नहीं रहा, निकालूंगा बट प्रॉमिस है बहुत जल्द निकालूंगा, और वो वीडियो होगी अच्छी होगी, बस मेरे दिल के करीब है वो वीडियो। किसी को पसंद आए चाहे ना आए, उस पे लाइक्स आए व्यूज आए ना आए, मेरे को कोई परवाह नहीं है, बट हाँ वो दिल के करीब है। एंड इसका जवाब आई एम सॉरी इस वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों अपनी लड़ाई कैसे सॉल्व करते हो?
हर व्यक्ति को पता है, हर बंदे को पता है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब लड़ाई हो जाए, बंदा ही बकरा बनता है, उसको ही मनाना पड़ता है, मिन्ता करनिया पैंदियां ने, तरले करने पैंदे आ, गलती मननी पैंदी, भावे गलती होवे ना, भावे गलती गलतियां नहीं होती लड़कियों की, नहीं होती। आप भी कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों की भी लड़ाई होती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ जो भी है, तो कौन मानता है, मनाता कौन है, मतलब ऑब्वियसली लड़के उल्टा है, ये उल्टा है, नाराज मैं होऊंगा, खुद उल्टा नाराज हो जाती है। चल लग ला अच्छा, हम दोनों मतलब कि मेरे को इनमें क्या बेस्ट बात लगती है और इनको मेरे में क्या बेस्ट बात लगती है, पहले आप बताओ। बेस्ट वैसे मेरे को बहुत टाइम लगेगा सोचने में, कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो गजब बेस्टी है यार, जो बेस्ट वैसा कुछ नहीं है। तो पसंद क्यों किया था, पागल हो गई है ना, पता नहीं क्या दिन था वो जिस दिन मैंने पसंद किया था यार, निकलो मार खाओगे। तो बेस्ट क्या लगती है, बेस्ट मेरे लिए तो यही है कि सबसे बेस्ट मेरे को इनकी जो बात लगती है, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही बात अच्छी लगती है कि ये लोफर नहीं है, मतलब लोफर नहीं है गेड़िया, मेरे को तो यही जहां तक मुझे पता कि गेड़िया नहीं मारते, बाकी अगर दोस्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि गेड़िया मारते कि नहीं, ये गेड़िया नहीं मारते है और ये नशे नहीं करते, सबसे अच्छी बात इनकी यही है बस, मेरे को ये सबसे अच्छी लगती है आजकल जितने भी लड़के मैक्सिमम लड़के लोफर होते हैं और गेड़िया मारते बंदियों पीछे और अपने मारते ना कुछ है नहीं बताने वाला जो बट बस यही है कि ये मैं तो मेरे को समझती है, अच्छा मेरी फीलिंग्स को, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करती है, ये बात अच्छी है। और ये आजकल की लड़कियों के जैसी नहीं है, क्योंकि मेरा पाला जैसी लड़कियों के साथ पड़ा है ना, मतलब उनमें से बिल्कुल अलग है। एक बात बताऊँ क्या होता है कॉमनली, ये थोड़ा टॉपिक से हटके जा रहा हूँ बट मैं ये बात ना मेरे दिल में थी तो मैंने कहा चलो अभी बोल देता हूँ, अगर ऐसी चीज़ निकली है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है ठीक है, किसी रीजन्स की वजह से वो टूट जाता है, चाहे लड़का गलत हो चाहे लड़की गलत हो या कोई और एक्स वाई जेड रीजन हो ठीक है, टूट जाता है। तो यार मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि वो टूटने के बाद अगर लड़का या लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उसका वो एक्स पार्टनर बीच में जंप क्यों करता है उसकी लाइफ में, मेरे को ये नहीं समझ आता। उसको मैसेजेस करेंगे बड़े बड़े, उसको कॉल्स करेंगे, वीडियो कॉल्स इंस्टा पे दुखी करेंगे कि ये ऐसा था वैसा था। भाई मेरे को एक बात बता, तू जब रिलेशनशिप में था या थी उसके साथ तब तो तुझे बहुत बहुत प्यारा था ठीक है, प्यार है मेरा, प्यार है मेरा, मैं प्यार करता था या है या फलाना ढिमकाना। एक बात, अगर कोई इंसान आपको प्यार करता था या करता है ना, वो ऐसा घटिया काम करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं यार, मतलब थू है ऐसे बंदों पे बिकॉज क्योंकि वो प्यार नहीं था, बस ये बात कड़वी है बट सच है ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन, आपको मेरे बच्चों क्या लगा, बता तो दिया ये आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, घर का काम सारा जानती है, यही चाहिए था मेरे को, पसंद है करना जानती है, रिलेशनशिप इतना टाइम हुआ है। लेकिन मैं बता दूं वैसे तो हम जो फ्रेंडशिप है हमारी, मतलब दोस्त हैं वो हम 2019 से हैं, लेकिन आफ्टर वन ईयर पूरे एक साल एक महीने बाद मैंने इनको प्रपोज कर दिया था, मैंने इन्होंने डेढ़ साल हुआ है। मेरी है 21 एंड इनकी है 20. मेरा बर्थडे भी बता देता हूँ, बर्थडे आता है मेरा 18 सितंबर को और इनका आता है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। सीक्रेट ऑफ पिंक ग्लो ऑन हर स्किन, मेरी स्किन का सीक्रेट, और मैं कौन सा मेकअप, ये पिंक पिंक रेड रेड क्यों रहती है, हो जाती है एंड इसकी स्किन इतनी ग्लो क्यों है, एंड ये कौन सा मेकअप यूज करती है, खुद ही बता दो यार, आप भी बता दो, मैं भी बता
बता दो आप मम्मी के पास इतना रहते हो, कौन सा मेकअप यूज किया है आज तक, आप भी बता दो। आपको आपको शॉक लगेगा कि निधि ने कभी मेकअप नहीं करा है, मेकअप करती नहीं है, ये लोग है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं है, देखो है ही नहीं, कुछ नहीं है ये सिर्फ। हाँ ठंड में जब ठंड होती है तो कोल्ड क्रीम जरूर यूज करती है, वो भी वो 10 रुपए वाली जो फ्रूट क्रीम आती है ना, बस वो यूज़ तो बस लाली होगा और क्या, बस और कुछ नहीं यूज करती, वो भी ठंड में करती है या गर्मियों में करते है कुछ सनस्क्रीन गर्मियों में, बस और कुछ नहीं यूज करती है। और ये जो ग्लो है इसका ये नेचुरल है, क्योंकि और घर के सेब हैं, घर की खेती है सेबों की, तो सेब खा खा के लाल हुई पड़ी है। चलो अगला, मेन्यू में फर्स्ट सबसे पहले कब मिले, हम मिले थे अक्टूबर 26 को मिले थे हम लोग, एंड और हाँ 26 को मिले थे, यही क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर को मिले थे हम लोग। फर्स्ट टाइम मिले थे हम शिमला में जो मॉल रोड, सॉरी बस स्टैंड, बस स्टैंड में, ओल्ड बस स्टैंड में, ओल्ड और न्यू, ओल्ड में, ओल्ड में खुद आए थे ना प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम, उस टाइम ही आप अकेले आए थे ओल्ड बस स्टैंड पर, उसके बाद मेरे को खुद ही लेने जाना पड़ता है न्यू बस स्टैंड तक। और ये था, एंड अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मीटिंग रिएक्शन एंड फोटो, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। फोटो फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो फर्स्ट फोटो थी हमने मिलके क्लिक करी थी वो यहाँ लगा दिया, देख लो आप। एंड मैं थोड़ा सा अलग लगता था शायद, पता नहीं लगता था अभी कि नहीं लगता था। एंड और क्या रिएक्शन क्या था, रिएक्शन मैं सही बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मेरे माइंड में ये डाउट थे यार लड़की कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बट बाद में अच्छा लगा था, तभी तो बात आगे बढ़ी, नहीं तो खत्म ना हो जाती। आपका क्या रिएक्शन था, मेरा भी मतलब मेरे को भी यही था कि पता नहीं है ना, मिल गई पता चलेगा कैसे हो गया, क्योंकि ये हर चीज मैटर करती है ना। तो क्या सोचा था फिर, तो पसंद आ गया यार, ओए होए क्या बात। चलो आगे, आपके फोन में नंबर किस नेम से सेव है एक दूसरे का, मेरे फोन में तो है गुड़िया विद रेड हार्ट, गुड़िया मैंने लिखा हुआ है औरत, जितन आपको लव यू कितनी बार बोलता है दिन में, कितनी बार बोलता है, ये क्या था, बहुत बार, बहुत बार, अनगिनत, गिनता ही नहीं, इनफिनिटी, दुनिया खत्म है इसके बाद, बस इतनी बार, है ना, इतनी बार, और यार देखो नहीं बोला, मैं बोलती हूँ मेरे को शायद हार्डली दिन में, तो दिन नहीं आपको ये पूछना चाहिए था कि मंथ में बोलते भी है कि नहीं, सबसे बड़ी बात दिन में मेरे को नहीं लव यू लव यू कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, शुक्र मानो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल देते हैं बस, ये बहुत बड़ी बात है ना, लव यू बोलते हैं भाई, हफ्ते में बोल दिया अगर मूड ठीक है तो, हफ्ते में बोल दिया नहीं तो यार बोल देते हैं। फैमिली पता क्या है, मैं चोंचलों में विश्वास नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, प्यार है प्यार है यार, थोड़ा सा रिलेशन, मैं थोड़ा रिलेशनशिप अपना और हिसाब से चलाता हूँ, सीधी सी बात है, मेरे से नहीं होता ये शोना बेबी, नहीं शोना बेबी तो हम वैसे भी नहीं बोलते, कभी बेबी बोल दिया अलग, हाँ मतलब रेगुलर नहीं होता हमारा है ना, तो और लव यू भी बोलते हैं यार जब ठीक है, जब टाइम हो, हर बार यार हर एक घंटे बाद हर मिनट बाद वो चीजें बोलना भी ना बड़ा इरिटेट हो जाता है, इरिटेशन नहीं यार बेबी, वो ना अजीब सा लगता है कुछ अलग ही है ना, तो मतलब बंदा ज्यादा ही प्यार आ रहा है ऐसा, ना ज्यादा ही शॉक हो जाती हूँ अगर मेरे को लव यू बोल दिया है, क्या हो गया आज, अगर रोज रोज लव यू बोलते मैं तो परेशान यार, ये लव यू ये हो गया इतना लव यू। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप सभी वेट कर रहे हैं कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं, तो इसका जवाब निधि को भी नहीं पता, मेरे को पता है सर, शादी हम तब करेंगे जब मेरे को फील होगा कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ, एक अच्छे स्टैंड पे हूँ, एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ, इनकम अभी भी कर रहा हूँ अर्न, घर अभी भी चला रहा हूँ अपना, बट एक होता है ना यार शादी के बाद जिम्मेवारियां और ज्यादा बढ़ जाती है, एक आपके भी फैमिली में एक और मेंबर ऐड होता है, फैमिली बढ़ती है उसके बाद भी और बढ़ती है, देन इस चीज़ के लिए मैंने अभी सोचा नहीं है, बिकॉज अभी वैसे भी एज कम है 21 है, तो मैं 25 के बाद ही सोचूंगा कि शादी करनी है, बाकी देखो अगर जल्दी हो गया तो वो तो आप लोगों के प्यार के ऊपर है, आप जितना YouTube पे प्यार दोगे, YouTube के ऊपर जितना ज्यादा प्यार दोगे, सीधी सी बात है मैं उतनी जल्दी सेटल होऊंगा।
सीधी सी बात है। और आप दे दो यार जल्दी। इसको बढ़िया है कि एक दो साल में शादी हो जाए। फिर हाँ एक प्रॉमिस है कि आपको रेगुलर डेली व्लॉग्स मिलेंगे मेरे चैनल पे, मिलेंगे आपको डेली व्लॉग्स हमारी शादी के बाद, ठीक है। और इसके चैनल पे मिलेंगे चैलेंजेस, है ना, ऐसे व्लॉग। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। चोरी चोरी वीडियोस मत देखा करो सब्सक्राइब किए बिना, एंड आप लोग इतना प्यार देते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था यूट्यूब पे भी इतना प्यार मिलेगा। आई लव यू ऑल एंड अगली वीडियो में।